लोकसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों के बीच इस बार नागरिकता संशोधन बिल CAA पर भी लोगों के बीच खास चर्चा है। विपक्ष भले ही इस मुद्दे को चुनाव की राजनीति से जोड़कर देख रही है, लेकिन बिहार के सीमांचल इलाकों के कटिहार शहर के शरणार्थी बहुल वर्मा कॉलोनी के लोग इस पॉलिटिकल लाभ हानि के चश्मे से जोड़कर देख रहे हैं। 152 सरकारी आवंटित जर्जर क्वार्टर में अब तक रहने को मजबूर शरणार्थी लोगों की माने तो 1967 से लेकर 1983 तक पूर्वी पाकिस्तान, जहां वर्तमान में बांग्लादेश से और बर्मा से आकर लोग यहां बसे हैं। पाकिस्तान में उस समय उनके पूर्वजों के साथ हुए हैवानियत के दर्द को बयां करते हुए आज भी लोग सिहर उठते हैं। ऐसे में CAA को शरणार्थी लोग क्यों सम्मान का विषय मान रहे हैं, इस पर बर्मा कॉलोनी के लोगों से बातचीत पर एक खास रिपोर्ट। लोग पाकिस्तान से आए 1963 नवंबर दिसंबर में। क्या होता था, कुछ यादें हैं? वहाँ तो देखिए उस समय छोटा थे हम लोग, छोटा थे, सुनते थे जब माँ बहन उठा के मुसलमान लोग आया, प्रशासन भी उसी के साथ देता था, हम लोग के साथ नहीं देता था। सब उठा के लेके चल गया, घर से जो भी सामान मिला, चावल डाल जो कुछ, सब उठा के लेके चल गया, मार के काट के जान मारता था। प्रशासन वही लोग के साथ देता था। अब भारत में आए, अब सी ए कानून लाया गया है, कितना संतुष्ट, किस तरह से? इसमें तो हम लोग को बहुत संतुष्ट मिला है, इसीलिए कि जो हमको अब पहले कोई हमरे तो हम तो लास्ट है, हमरे भविष्य के लिए जो बाल बच्चा है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। जिसके लिए जो नागरिकता मिल जाएगा तो उसके लिए कोई कागज कुछ ऑफिस में अगर जाना पड़े उसके लिए वो पहले 5 आदमी के बात ही करो, जोड़ो धुपो, उसके बाद जाके जा कोई काम कराओ। और अभी आपने जाएगा तो डॉक्यूमेंट देगा तो कोई भी काम हो सकता है। कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव है इसीलिए इसको लाया। नहीं, चुनाव से किसी से कोई मतलब नहीं है, इससे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। आप लोग का सम्मान है ये सम्मान है। क्या नाम है? हमारा नाम निरंजन कुमार है। हम लोग बेतिया कैंप से आए। अच्छा, उससे पहले कहाँ थे? वो पूर्व पाकिस्तान थे, उस समय तो पाकिस्तान था। अच्छा, तो पूर्व पाकिस्तान थे, 56 में आया वहाँ से। तो हम लोग तो छोटे थे, कोई हम तो यही का जन्म है। अच्छा, सास बाप मातारी वही का था। क्या सुने थे, क्या होता, क्या सुने थे? ही अत्याचार करता था। जब बटरा हुआ तो सब कई बहुत आदमी माइग्रेशन किया, हमारा बाप सास माइग्रेशन से यहाँ आया। अब सरकार, अब आप लोगों को सीए कानून नागरिकता दे दिया गया, कितना संतुष्ट है क्या? हाँ, हम लोग बहुत संतुष्ट है। हम लोग यहाँ का नागरिकता नहीं थे, अभी हुए, हम लोग का बहुत संतुष्ट है। अभी हम लोग का घर द्वार का, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, थोड़ा सरकार सुविधा देता है, जैसे पेंशन देता है 400 टका, कुछ तो नहीं होता है। क्या नाम? हम लोग का विभा रानी मिश्रा। और अब सीए पास हो गया, देखिए ये इतिहास इसका यही है कि हम लोग पूर्वी पाकिस्तान से लोग आए हुए, हम लोग शरणार्थी हैं, और कुछ बर्मा देश जो अभी म्यांमार कहलाता है वहाँ से हम लोग आए हुए शरणार्थी। ये क्यों आना पड़ा था, क्या स्थिति था? दूसरे के देश में थे तो हम लोग को सताता था लोग, तो बहुत लोग पूर्वी पाकिस्तान के हमारे शरणार्थी भाई लोग हैं, उन लोगों को लोग दंगा में बहुत मार देता था, मन बहुत बेइज्जती करता था लोग। क्या सहूलियत दिया गया था सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से तो जो भारत सरकार है हम लोग को ले आकर के कैंप में रखा, और फिर उसके बाद यहाँ पर पुनर्वास दिया, रोजी रोजगार के लिए कुछ लोगों को जो पहले आए थे उसको 5,000 रुपया, और जो बाद में आए उसको 8,000 12,000 यही करके दिया। अच्छा, कितना क्वार्टर है लगभग? 152 क्वार्टर है, सभी जगह लगभग लोग हैं। हाँ, लोग हैं। कितना संख्या में लोग होंगे? अभी 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा। सीए जो कानून लाया गया है क्या देखते हैं, चुनावी रूप से देखते हैं? देखिए ये चुनावी नहीं है, ये तो है जैसे हम लोग अभी रहते थे, तो हम लोग रहते थे तो शरणार्थी कहलाते थे, लेकिन इस भारत सरकार जो प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का जो ये घोषणा हुआ, इससे हम लोग को नागरिकता मिल गया और हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। शरणार्थियों को सम्मान मिला। सम्मान मिला। जी, मेरा नाम राजेंद्र।